आखिरकार भारत ने उस टेक्नोलॉजी को तैयार कर ही लिया जिसे अभी तक हम चाइना, जर्मनी, यूएसए और रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, जहां पर ये बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में। आपको बता दें, भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर, मशीनरी एंड मैकेनिकल एप्लीकेशंस को इन सभी देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, लेकिन अब फाइनली इंडिया ने अपने पहले सेल्फ डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तैयार कर लिया है। जानेंगे हम इस बड़ी डेवलपमेंट की सारी डिटेल्स। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो विकिपीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आफ्टर कोल, गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जहां भारत में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। टोटल कैपेसिटी करीब 7380 मेगावाट की है। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मदद से 2020 और 21 में भारत ने 43 टेरावाट आर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी टोटल पावर जनरेशन का, जो कि टोटल पावर जनरेशन का 3.11% है। आपको बता दें, न्यूक्लियर पावर जनरेशन को लेस कार्बन इमिशन की पावर जनरेशन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जो कि फॉसिल फ्यूल और कोल के कंपैरिजन में लेस कार्बन इमिट करता है। आपको बता दें, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हम काफी लंबे समय से चाइना, जर्मनी, यूएसए और रशिया पर डिपेंडेंट थे। यहां तक कि पिछले 15 सालों में हमने चाइना से करीब 39 यानी कि 21 बिलियन यूएस डॉलर के इन न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट किया है। यहां तक कि भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका नाम है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में है, इनके भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको VVR 1000 रिएक्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिनको रशियन टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में तैयार किया गया है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो पर्टिकुलर चैम्बर है जिसके अंदर फ्यूजन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है और यहीं पर एक कंट्रोल वे में हीट जनरेट की जाती है, जिस हीट का इस्तेमाल करते हुए वाटर को बॉयल करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम 235 आइसोटोप्स और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी कुछ इस तरीके से है कि फाइनेंशियल 2023 में भारत ने करीब 100 टन यूरेनियम फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी इंपोर्ट किया है रशिया से। लेकिन अब भारत धीरे धीरे अपनी निर्भरता को खत्म कर रहा है, जहां पर बड़ी खबर यह है कि भारत का फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड 700 मेगावाट का एक न्यूक्लियर रिएक्टर अब कमर्शियल ऑपरेशनल फॉर्म में आ चुका है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात के अंदर है, वहां पर सेटअप किया गया है, जो कि फ्राइडे से कमर्शियल ऑपरेशनल फॉर्म में आ चुका है। और यह इन्फॉर्मेशन खुद पावर प्लांट के ऑफिशियल्स की तरफ से आई है, जहां पर इसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको बता दें, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऐसे ही दो 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को बनाकर के तैयार किया है, जो कि इंस्टॉल किए गए हैं गुजरात के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इसके अलावा राजस्थान के रावतभाटा और हरियाणा के गोरखपुर के अंदर भी 700 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक सहित कई और राज्यों में 10 ऐसे ही सेल्फ डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने पर मंजूरी दे दी है, जहां पर जल्द ही भारत के डोमेस्टिकली बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी भारत ने अपने पहले डोमेस्टिकली बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेशनल फॉर्म में ला दिया है, बाकी के बचे हुए जल्द ही आ जाएंगे। और यदि आपको हमारा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।